सो है गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज का वीडियो अपना होने वाला है बजाज पल्सर 125 के बारे में। तीनों ही वेरिएंट आज अपने पास अवेलेबल है, तो ये होने वाला है अपना एक कंपैरिजन वीडियो, यानी कि नियॉन एडिशन कार्बन विथ सिंगल सीट एंड टॉप ऑफ द लाइन कार्बन विथ स्प्लिट सीट। तीनों ही वेरिएंट आज अपने पास अवेलेबल है, तो तीनों में कंपैरिजन आज अपन लोग करने वाले हैं। क्या कुछ डिफरेंसेस हैं, क्या कुछ सिमिलर आप लोगों को तीनों ही वेरिएंट में मिलने वाला है, प्राइसिंग में कितना डिफरेंस हो जाता है। प्राइसिंग में मेरे अकॉर्डिंग ना काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे डिफरेंस है, तो सारी डिटेल आज अपन लोग कवर करने वाले हैं। 125 लेने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आप लोग के लिए ना काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। ये आप लोग देख सकते हो सिंगल फ्रेम में तीनों ही वेरिएंट। ये है अपना नियॉन एडिशन सिंगल कलर थीम के साथ, यानी कि नियॉन एडिशन में यही कलर अपनों को अवेलेबल रहने वाला है। फिर ये हो जाता है आपका टॉप एंड वेरिएंट, यानी कि कार्बन एडिशन विद स्प्लिट सीट। टोटल 3 कलर ऑप्शन दोनों ही वेरिएंट में अवेलेबल रहने वाले हैं। ये है अपना मिड वेरिएंट कार्बन विद सिंगल सीट। तो इस टाइप से ये हुए अपने टोटल वेरिएंट्स। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो प्राइसिंग के साथ, ताकि आप लोग ज़्यादा रिलेट कर सको किस प्राइस पॉइंट पे किस वेरिएंट में आप लोगों को क्या कुछ मिलने वाला है। बेस वेरिएंट से स्टार्ट करते हैं। सो 1,700,000 रुपये, 1,700,000 रुपीज़ ऑन रोड जयपुर बेस वेरिएंट नियॉन एडिशन। मिड वेरिएंट 1,10,000 ऑन रोड जयपुर, और टॉप ऑफ द लाइन 1,12,500, 1.12500। सो ये है बेस टू टॉप, लगभग 12,000 रुपये का डिफरेंस हो जाता है नियॉन में और कार्बन स्प्लिट सीट में। सो वो आप लोगों की अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग वेरिएंट प्रीफर कर सकते हो। स्टार्ट कर लेते हैं एक बार नियॉन एडिशन का। 360 में आप लोगों को दे देता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को सिंगल कलर थीम ही मिलने वाला है विथ येलो ग्राफिक्स। तो इस टाइप से कुछ अपना लुक यहाँ पे बनेगा। तीनों ही वेरिएंट में किक स्टार्ट का ऑप्शन प्लस सेल्फ स्टार्ट सब कुछ सेम ही रहने वाला है। तो पहले अपन एक बात कर लेते हैं, पहले 360 में आप लोगों को दे देता हूँ, फिर कलर ऑप्शंस की, फिर आते हैं क्या कुछ सिमिलर रहने वाला है। तो ये है अपना नियॉन एडिशन सिंगल सीट येलो ग्राफिक्स के साथ 125 की ब्रांडिंग। रियर लुक अपना कुछ इस टाइप से है, अलॉयस पे भी येलो स्टिकिंग का काम आ जाता है। टॉप एंड वेरिएंट अपना कुछ इस टाइप से है, कॉस्मेटिक चेंजेस हैं उसके साथ, काफ़ी अच्छा लुक यहाँ पे निकल के आता है। स्प्लिट सीट है, स्प्लिट में ही ग्रिप रेल है, तो एक प्रॉपर पल्सर 150 वाला लुक यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है। ये रहा अपना कार्बन एडिशन विथ सिंगल सीट, यानी कि मिड वेरिएंट। सो इस टाइप से ये वाला सेटअप है। कलर ऑप्शन टोटल 3 है, ब्लैक रेड, ब्लैक सिल्वर और ब्लैक ब्लू। ब्लैक ब्लू भी मैं आप लोगों को वीडियो में आगे चल के अभी दिखा देता हूँ। 3 कलर ऑप्शन मिड वेरिएंट में भी और टॉप वेरिएंट में भी 3-3 कलर ऑप्शन आप लोगों को मिलने वाले हैं। सो ये हुई, अब देख रहे हैं क्या कुछ तीनों ही बाइक्स में सिमिलर रहेगा। सबसे पहली तो चीज़ है लुक, जो कि लुक आप लोगों को सिमिलर ही तीनों ही बाइक्स में मिलने वाले हैं। टॉप एंड वेरिएंट में जैसा कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, स्प्लिट में सीट आ जाती है, स्प्लिट में ग्रिप रेल है। इंजन काउल जो है ये आप लोगों को टॉप एंड वेरिएंट में और मिड वेरिएंट में ही मिलने वाला है। नियॉन में इंजन काउल अवेलेबल नहीं है, बाकी लुक ये अपना सेम हो जाता है। टायर्स का सेटअप जो है ये अपना सेम है, ब्रांड आप लोगों का डिफरेंट हो सकता है। फ्रंट अपना रहने वाला है 80 सेक्शन का, रियर रहेगा 100 सेक्शन का। सो टायर का सेक्शन अपना सेम है, टायर की ग्रेडिंग वगैरह सब कुछ सेम रहने वाली है। अलॉयस का जो शेप है ये भी सेम है, ब्रेकिंग भी आपका सेम ही रहने वाली है। एंड्योरेंस की ही ब्रेकिंग है, एंड्योरेंस का ही सस्पेंशन सेटअप मिलता है। 240 mm फ्रंट में डिस्क है, रियर अपना रहने वाला है ड्रम, 130 mm का ड्रम रियर में रहने वाला है, और टायर रहेगा 80 सेक्शन का। एग्जॉस्ट का शेप सब कुछ ओवरऑल आप लोग का सेम ही रहने वाला है। तो एक मेजर डिफरेंस बेस टू टॉप अपना जो हो जाता है वो है कलर ऑप्शन का। यहाँ पे सिंगल कलर है, बाकी अपने को ऑप्शन एक चॉइसेस कलर ऑप्शन के अकॉर्डिंग मिलने वाले ही हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी आप लोगों का सिमिलर ही रहेगा, 11.5 लीटर, 11.5 लीटर का मेटल में अपना फ्यूल टैंक है। इस टाइप से पल्सर की ब्रांडिंग आ जाती है। नियॉन एडिशन में ये रहेगा अपना क्रोम में और येलो हाइलाइट्स के साथ। इस टाइप से ही अपना टैंक पैड है। सिंगल सीट 2 वेरिएंट में आप लोगों को मिलेगा, बेस और सेकंड बेस। टॉप में देख ही लिया है अपन लोगों ने। सो इस टाइप से कुछ अपना चेंज ये एक रहेगा, इस जो एक स्क्रेच से प्रोटेक्शन के लिए गार्ड है, यहाँ पे कार्बन वाला टेक्सचर आ जाता है। नियॉन में आप लोग देख ही चुके हो, और जो पल्सर की ब्रांडिंग है ये आ जाएगी अपनी डार्क क्रोम में, जो कि मिड में भी और टॉप में भी सेम ही ये वाला सेटअप आपका बनेगा। नियॉन में एक ये चेंज आ जाता है, 11.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। सीट हाइट 790 mm, ये चीज़ भी सेम तीनों ही वेरिएंट में आप लोगों को मिलने वाली है। किक स्टार्ट का ऑप्शन, सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन, सब कुछ ये चीज़ सेम ही है। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं, फिर आते हैं MID सेटअप पे। तो 124.4 cc का यहाँ पर आप लोगों को एयर कूल्ड इंजन मिल जाता है 5-speed गियर बॉक्स के साथ, 5 gear तीनों ही वेरिएंट में, ये चीज़ भी ऑब्वियस है कॉमन ही रहेगा। 11.8 hp का पीक पावर है और 10.8 Nm का टॉर्क यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा। बाइक का जो टोटल वेट है ये भी तीनों ही वेरिएंट्स में आप लोगों को सिमिलर ही मिलने वाला है, या फिर ये हो सकता है एक, इस पर मैं श्योर नहीं हूँ, एक 1 kg के अराउंड आप लोगों का डिफरेंस आ सकता है टॉप बेस और मिड वेरिएंट में और टॉप वेरिएंट में, क्योंकि यहाँ पे स्प्लिट सीट वगैरह ये सब कुछ
चीज़ें ना ऐड हो जाती है। इस टाइप से कुछ अपना राइडर पी ओ वी है, क्लिप ऑन हैंडल बार ही है, सिटिंग पोस्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। ये रहा अपना एंड्योरेंस की मार्किंग, क्लच का फील काफ़ी लाइट है। स्विचेस, ये अपना पास वाला स्विच, हाई बीम लो बीम इंडिकेटर, सिंगल बजर में काफ़ी लाउड हॉर्न है। की देख लेते हैं तो इस टाइप से अपना की का सेटअप है। शेप आप लोग देख सकते हो, ये भी ना एक शेप भी आइकॉनिक शेप बन चुका है पल्सर के साथ। राइट साइड पे किल स्विच, देन अपना स्टार्टर बार एंड आ जाता है आपका मेटल में। इस टाइप से अपना MID का सेटअप है। इस वाले बाइक में बैटरी कनेक्टेड नहीं है, ना ही नियोन में, ना ही टॉप में बैटरी कनेक्टेड है आपका मिड वेरिएंट में। सो यहाँ देख लेते हैं MID में क्या कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। स्टार्टअप ये रहा एनालॉग प्लस डिजिटल कॉम्बिनेशन में है। एनालॉग में आ जाता है अपना RPM मीटर यानी कि टैकोमीटर, साइड स्टैंड डाउन की वार्निंग, सर्विस रिमाइंडर, लो बैटरी लेवल, एक्चुअल फ्यूल इकोनॉमी 1 और 2, ट्रिप 1 और ट्रिप 2 के अकॉर्डिंग ऑडोमीटर यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है। डिस्टेंस टू MT इसको आप लोग रेंज भी कंसिडर कर सकते हो। ये है आपका फ्यूल गेज, स्विच है चेंजेस करने के लिए, सारी वार्निंग लाइट्स आप लोगों को नीचे देखने को मिल जाती है। तो ये था अपना एक MID सेटअप, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है इस कैटेगरी और इस सेगमेंट के अकॉर्डिंग। अपोजिट साइड भी यहाँ से देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ना लाइट थोड़ा सही है। ड्यूल हेड में गियर लीवर है, क्रोम का यूज़ यहाँ पे आ जाता है। इंजन देख सकते हो आप लोग अपोजिट साइड से कितना विजिबल है। साइड स्टैंड सेंटर स्टैंड दोनों आ जाता है। फुटरेस्ट, साइड गार्ड, ये भी कॉम्बिनेशन बन जाता है। चेन का सेटअप फुली कवर्ड है मेटल कवरिंग के साथ जो कि काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाता है। बाकी स्टिकरिंग ये आप लोग देख ही सकते हो, फ्यूल टैंक हो ही गया है। रियर फेयरिंग पे कुछ इस टाइप का है और ये रहा अपना टॉप वेरिएंट का अपोजिट साइड और ये रहा आपका नियोन का अपोजिट साइड। सो ये हो जाता है जी अपना वीडियो कंप्लीट। कलर ऑप्शन जो ब्लैक और ब्लू वाला रहता है उसकी फोटो भी आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो इस टाइप से ब्लैक सिल्वर, ब्लैक रेड और ब्लैक ब्लू नियोन एडिशन में सिंगल कलर ऑप्शन। सो ये था अपना पूरा चेंजेस। माइलेज की बात करते हैं तो कंपनी क्लेम करती है लगभग 50 से 55 के अराउंड आप लोग इजीली निकाल सकते हो आपकी राइड क्वालिटी पे भी। माइलेज एवरेज ना डिपेंड करता है। बाइक का जो टोटल वेट है वो है 142 kg। प्राइसिंग आप लोगों को मिली चुकी है 1,700 रुपये, 1,10,000 और 1,12,500 रुपये। सो ये करते अपना ये वाला वीडियो यहीं पे एंड। अननेसेसरी बड़ा करके कोई एक ना सेंस नहीं है। कौन सा वेरिएंट आप लोगों को अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर से बताना। नियॉन, कार्बन सिंगल सीट या फिर कार्बन स्प्लिट सीट, इस चीज़ का ज़रूर से मुझे वेट रहेगा। कलर ऑप्शन कौन सा आप लोगों को पसंद है वो चीज़ भी आप लोग ज़रूर से बता सकते हो। करते अपने वाला वीडियो एंड और मिलते अगले वीडियो के साथ। सी के नेक्स्ट डे, अब तक के लिए जान लोगों खुद का भी, घर वालों का भी और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।